श्रेयांश भाई, एक बार नोट्स दिखाओ अपने कैसे बना रहे हो, फ्रंट पेज से दिखाना। मैंने परसों ज्वाइन किया रात को। अभी तो कल की क्लास में तो आया होगा। एकदम फ्रंट पेज से दिखा, रुक जा। ये वाला नहीं, हाँ नहीं, इसके पहले वाला दिखा। इंडेक्स तो भाई यहाँ पे देख, अब इसमें ना दो गलतियां हैं, बताऊं तेरे को। अच्छा है तूने आज ही मेरे को पकड़ाई में आ गया, वेरी गुड, तेरी किस्मत अच्छी है। ऊपर कर कॉपी, ऊपर कर, दिख नहीं रही मेरे को। हाँ, अब फर्स्ट पेज खोल। पहली बात तो यहां पर अपना नाम लिख ले, अपना ड्रीम कॉलेज लिख ले, ठीक है, दो चीजें हो गई है ना। फिर नीचे डे वन से इंडेक्स बनाना शुरू कर दे, अभी बना ले फटाफट से। अभी जब मैं दूसरों से बात करूंगा तो तू इंडेक्स बना लेना, है ना। अब पेज पलट। अब इस पेज के यहां पर टॉप राइट में वन नंबर डाल ले। अभी क्लास का ब्रेक मिला मान ले, तू कुछ नहीं कर रहा, कॉपीज में पेज नंबर डालना शुरू कर दे। तो वन नंबर डाल दिया, पलट ले वापिस। अब पेज पलट। अब इधर टू मत डालना, सीधा इधर थ्री डालना, समझ गया, टाइम बचेगा। तो 1 3 5 7 9 ऐसे करके डालना है। अब नोट्स दिखा, थोड़ा ऊपर कर, वैसे तो सही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही सही बना रहा है, सही बना रहा है ना। तो अब क्या करेगा, अब तू जब अभी केमिस्ट्री की अपनी क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ना हाइलाइटर या स्केच पेन लेके बैठना। सर, आंसर की वीडियो देख ली। चलो बहुत बढ़िया, डन है, वेरी गुड। सुहानी मैडम आई, चलो है ना, प्रोसेस फॉलो करना है, आईआईटीएन मन्नत है, ठीक है। चलो हाँ भाई, सुहानी जी बताइए, नोट्स कॉपी दिखाइए। हाँ केमिस्ट्री की दिखा, तू तो डे वन से आ रही है। इंडेक्स ना, हाँ इंडेक्स से दिखा। इंडेक्स बनाया हुआ है, लिक्विड सॉल्यूशन 1 to 11। अबे ऐसे नहीं बनाते इंडेक्स, पगली, सब टॉपिक लिखते हैं। हे भगवान, ये नर्सरी के बच्चे कहां से ड्रॉप ईयर की क्लास में आ गए यार। एक बात बता, तेरे को लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर बेटा, अगर मान ले तेरे को सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो तू 40 पेज में तेरे को घुमाना पड़ेगा ना। शॉर्ट नोट्स बनाने ही नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाना पाप है, नदी किनारे सांप है। जो तेरी चीज नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है उसको तू दोबारा से फिर से क्यों लिख रही है, समझ रही है। अपन नोट्स में मार्किंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट नोट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बता। फिर और मान ले तेरा वो टॉपिक उड़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तेरा उड़ गया, तो शॉर्ट नोट्स से तेरे को वैसे भी समझ में नहीं आने वाला, तो तेरे को वापस नोट्स कॉपी खोलनी पड़ेगी, तो तू टाइम कैसे बचाएगी। तो अब से क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से कैसे करेगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नीचे छोटा सा वन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, फिर टू डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन रदरफोर्ड मॉडल, थ्री बोर मॉडल, फोर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ गई। yes. तो इससे टाइम से होएगा कि नहीं होएगा, होगा। अब आगे जा, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा। देख टाइम बच गया ना, सीधा 129 खोलेगी, अगर इंडेक्स ही नहीं बनाया होता तो ढूंढती रहती है ना। ऊपर yes. जा, ऊपर कर, ऊपर कर। तू अच्छा, तू ब्लैक पेन से ही मार्किंग कर रही है क्या, मार्किंग क्यों नहीं दिख रही मुझे इसमें। सर, मैंने ब्लैक पेन से देखी। नहीं तो ऐसे मत करो, वो चमकता नहीं है, एक स्केच पेन का पैकेट खरीद के लिया। अच्छा ठीक है सर, है ना। और उसमें तीन कलर यूज कर लो, रेड येलो और ग्रीन, ठीक है भाई। जो रेड है वो तो कभी नहीं पढ़ना अपने को, वो अपने को याद हो गया परमानेंटली। जो येलो है वो कच्चा पक्का है, और जो ग्रीन है वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो धीरे धीरे चीजें ना रेड में शिफ्ट होती जाएंगी, है ना। येलो वाली चीज या तो रेड में जाएगी या ग्रीन में आ जाएगी, समझ गई, है ना। yes. चलो बहुत बढ़िया। अच्छा शीट की कॉपी भी दिखा दे, सही है, दिखा दे एक बार। ये क्या है, क्या क्या किया है तूने।
अच्छा एक्सरसाइज वाइज लिखा हुआ है तूने, ओके 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 ओके। हाँ अब आगे जा। और यहाँ पे टॉपिक स्ट्रक्चर का है। हाँ ठीक है ठीक है, तो दिखा एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट दिखा। और मॉड्यूल्स भी हैं क्या तेरे पास? सर मॉड्यूल्स मैं पीडीएफ से सॉल्व करती हूं। पीडीएफ से सॉल्व करती हूं, तो फिर तू मार्क कहां पे करती है कि कौन से क्वेश्चन बाद में मेरे को काम में आएंगे? सर इस पे मार्क भी कर लेती हूं और स्टिकी नोट्स होते हैं ना छोटा सा। हां फिर वो स्टिकी नोट्स घूमेंगे नहीं, इसका जुगाड़ कर रखना अपने पास। वो गुम जाएंगे वरना, है ना, उसको ध्यान रखना, बहुत मेहनत अपनी लूज हो जाएगी। हाँ तब कर लेना, बहुत बढ़िया। तो तू तो एकदम ऑन टाइम चल रही है, चलो वेरी गुड, ठीक है, चल सही है। बताओ दिखाओ नोट्स कॉपी। इंडेक्स कहाँ है? अबे कट गए तेरे नंबर, आईआईटी बुरा मान जाएगी अब, फिर मेरे से मत बोलना। तुम सोच कर देखो एक चीज जिंदगी में ना, बहुत ध्यान से सोच कर देखना। मेरे को 2 महीने बाद एब्सोल्युटली सब कुछ उड़ गया फील होने वाला है कि नहीं होने वाला है? यार मेरा एटॉमिक उड़ गया, मेरे को कुछ नहीं याद, चीजें इतनी सारी है। फिर तुझे अगर कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक ढूंढना होगा तो कैसे ढूंढेगा मेरे भाई? खुद का कंपेयर कर ले। वो कहां गई वो उससे, वो लड़की क्या नाम था अभी जो आई थी, सुहानी से, उसको कोई भी चीज ढूंढने में 5 सेकंड लगेंगे, तुझे कोई भी चीज ढूंढने में 30 सेकंड लगेंगे। रोज अगर तू ऐसा 5 बार भी करता है तो वो हर दिन तुझसे 10-10 मिनट आगे होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? और 10 मिनट का मतलब कितने क्वेश्चन होते हैं जे एडवांस में? 2। 2 क्वेश्चन का मतलब 8 नंबर होता है कि नहीं होता? और 8 नंबर का मतलब 1,500 रैंक होता है कि नहीं होता? तू मेहनत पूरी कर रहा है, मुझे पता है, सिंसियर बच्चा है, क्लास में डाउट पूछता है, एक्टिव बच्चा है, सब कर रहा है, पर सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा। और सिस्टम फॉलो करने से 2,000 रैंक जो आ रही होती है वो 500 में कन्वर्ट हो जाती है। तुमको अभी बहुत ऐसा लाइट या मजाक लग रहा होगा, पर तुम्हारे सामने एग्जांपल है, सारांश सर और अर्पित सर, इनकी नोटबुक्स ऐसी तगड़ी सिस्टमैटिक हैं। तो अगर सारांश सर को आज भी पूछ लेगा ना 2006 में की कॉपी में से, बता दो सर आपने लिक्विड सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कहां पर लिखा था, 5 सेकंड में लाकर दे देंगे तेरे को। तो टॉपर और एवरेज बच्चे में दिमाग का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, प्रोसेस और सिस्टम का डिफरेंस होता है। समझ गया? देख अभी तो अपना कुछ नहीं बिगड़ा, 1, 2, 3, 4 चैप्टर हुए। कसम खा रहा है तू आज से, शपथ ले रहा है आईआईटी की कि मैं इंडेक्स भी बनाऊंगा, नोट्स में मार्किंग भी करूंगा। बता। यस सर। 5 दिन बाद तेरी कॉपी खुलवा कर देखूंगा, उसमें मेरे को अभी तक के जितने चैप्टर हुए हैं उनके इंडेक्स मिल जाने चाहिए। मिल जाएंगे क्या? ओके सर। डेली अब इंडेक्स बनाएगा क्या? आईआईटी में जाएगा क्या? यस सर। और आईआईटी में कैसे जाएगा? जब ये सारे प्रोसेस फॉलो करेगा। देख ये सारे काम करने में ना जोर बहुत आता है यार, ये मेरे लिए किस काम का है? आता होगा ना तेरे को भी, यार ये क्या है, पढ़ ही लेता हूँ, इससे अच्छा तो मैं 2 सवाल और कर लेता हूँ। पर अपन ये वाला काम आज के लिए नहीं कर रहे, अपन कब कर रहे हैं? जब जेईई मेंस में 1 महीना बचा होगा और मेरे को इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करनी होगी, तब तेरे पास कुछ नहीं रहेगा और तुझे सारी कॉपीज पूरी पढ़नी पड़ेगी कि नहीं पढ़नी पड़ेगी बता। और क्या तू सारी कॉपीज इतनी सी देर में पढ़ पाएगा? क्या नहीं पढ़ पाएगा ना? तो यार मेरी बात मान ले, यार मान लेगा क्या? पक्का? ओके चलो बहुत बढ़िया है ना। चलो अब हो गया अपना मैथ्स की क्लास का हैंगओवर, उतर गया आज उदय तराई में आ गया बेचारा अब अगली बार वो मेरे से बात ही नहीं करेगा थोड़े दिन तक, तो ऐसा है क्या? गायब हो जाएगा ऐसा करेगा क्या? मना कर रहा है वो, ऐसे नहीं करेगा है ना। ठीक है